अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी डिस्कस किया था, उसमें सारा उसकी लेयर्स के बारे में भी किया था, उसकी फेशियास के बारे में और उसके जितने भी जो क्वाड्रेंट्स हैं उनको जिक्र किया था हमने, और उनकी जो सेक्शंस और सारे जितने भी उनकी जैसा कि उनकी वो थी पेरेंट्स वगैरह वो डिस्कस किए थे हमने सब कुछ। तो एब्डोमिनल के हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसकी दो वॉल्स होती है, ठीक है, एक होती है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और एक होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, जो एब्डोमिन क्या होता है हमारे पास, द रीजन ऑफ द ट्रंक दैट लाइज बिटवीन द डायफ्राम अबव एंड द इनलेट ऑफ द पेल्विस बिलो। कोई भी आपसे पूछे कि एब्डोमिन कौन सा रीजन है, तो आप उसमें ये डेफिनेशन उसको बता सकते हो। ठीक है, अगर वाई वाई तो आप उसमें उर्दू में भी एक्सप्लेन कर सकते हो और इंग्लिश में बता देते हो, आपको पता होता है कि हमारा एब्डोमिनल रीजन कौन सा है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेंट्स के बारे में, जिसके 9 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है, उसमें से भी आपको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या है, कौन सा ऑर्गन है, कौन सी स्ट्रक्चर वहाँ पे प्लेस है। ठीक है, आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, कि अपेंडिक्स किस साइड पे, किस क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, किस पोजीशन में आता है, ठीक है, हमारा जो अम्बिलिकल एरिया वो किस रीजन में आता है। ठीक है, इस तरह से क्या है, आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास लेयर्स होती हैं एब्डोमिनल वॉल की। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है कि स्किन आती है और सुपरफिशियल फेशिया आता है। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास हमें जगह जगह दो हैं हमारे पास, एक तो फैटी लेयर फेशिया होता है और ये क्या है, मेम्ब्रेनस फेशिया होता है। ठीक है, फैटी लेयर फेशिया को हम कैंपस फेशिया बोलते हैं और मेम्ब्रेनस फेशिया को हम स्कार्पस फेशिया बोलते हैं। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया क्या है, दो टाइप्स का होता है, फैटी लेयर का और एक मेम्ब्रेनस फेशिया। ठीक है, और इसकी लेयर्स में क्या है, पहली चीज़ स्किन। स्किन हमारे पास क्या होती है, जो हमारा ऊपर का पिंकिश एरिया होता है, ठीक है, उसको हम स्किन बोलते हैं। ठीक है, स्किन क्या है, लूजली अटैच टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट एट द एम्बिलिकस। ठीक है, वेयर इट इज टीथर टू द स्कार टिश्यू। जो अम्बिलिकस है हमारा वो क्या है, स्कार रिप्रेजेंटिंग द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इन द फीटस, इट इज सिचुएटेड इन द लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा हमारे पास क्या थी, हमारी वाइट लाइन थी। ठीक है, आपने याद रखना है कि हमारे पास दो लेयर्स हैं एब्डोमिनल वॉल की, एक स्किन है और एक क्या है हमारे पास, सुपरफिशियल फेशिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जिक्र करें अपने इस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में कि इसको भी हम लेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के हमारे पास लेयर्स भी हैं। ठीक है, और क्या है, ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर से मिल के क्या है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो बनी है हमारी, ठीक है, एक तो स्किन है, ठीक है, एक सुपरफिशियल फेशिया है, और उसके बाद हमारे पास इसमें डीप फेशिया, ठीक है, मसल्स हैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया, ठीक है, और क्या है, पेराइटल पेरिटोनियम है। ये इसकी 6 लेयर्स हैं जिससे मिलके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बनती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की हमारे पास एक लेटर साइड होती है और एक क्या है हमारे पास, मीडियल साइड होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास इसमें पहले मैं स्किन का जिक्र कर लूँ। ठीक है, स्किन क्या है हमारे पास, लूजली अटैच होती है टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सेप्ट एट द एम्बिलिकस। इसके अलावा क्या है हमारे पास, हर स्ट्रक्चर से अटैच टू मस्कुलर टिश्यू टू स्कार टिश्यू, द नेचुरल लाइंस ऑफ द क्लीवेज इन द स्किन आर कॉन्स्टेंट एंड रन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली अराउंड द ट्रंक। ठीक है, एम्बिलिकस या स्कार रिप्रेजेंटिंग द साइट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड इन द फीटस, इट इज सिचुएटेड इन द लीनिया एल्बा। ठीक है, लीनिया एल्बा भी हमारे पास बेसिकली क्या थी, ये दरमियान वाली लाइन थी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था लीनिया एल्बा क्या थी हमारे पास, वाइट लाइन थी जो हमारे पास क्या थी, मिड में थी। ठीक है, ये उसी का जिक्र कर रहे हैं कि उसमें क्या है हमारे पास, अटैचमेंट होती है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की, किसकी, फीटस में, तो वहाँ पे उस एरिया को हम लोग क्या है, अम्बिलिकस बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा।
अच्छा उसके बाद इसमें हमारे पास, अच्छा ये हमने थोड़ी सी आगे हम देखते हैं इसकी एंटीरियर डोनर वॉल की हमने लेयर्स देखी, ठीक है। थोड़ा हमने स्किन को देखा, ठीक है, हम लाइक उसको देखा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी कुटेनियस नर्व्स को देखें ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, तो उसमें हमारे पास क्या है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द इंटीरियर रैम आई ऑफ लोअर सिक्स थोरेसिक एंड फर्स्ट लम्बर नर्व्स, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इस अपने डर्माटोमल एरिया को देखें, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है सारी की सारी कुटेनियस नर्व्स की, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। ये डर्माटोम्स आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या है याद रखना, कुटेनियस नर्व्स की हमारी कैसे आगे वो हो रही है डेरिवेशन, बेसिकली दीज आर ड्राइव फ्रॉम द इंटीरियर रैम आई ऑफ लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व, लोअर सिक्स थोरेसिक एंड फर्स्ट लंबर नर्व्स, ठीक है। जो थोरेसिक नर्व्स हैं इधर हमारे पास वो क्या है, लोअर फाइव इंटरकॉस्टल एंड सब कॉस्टल नर्व्स, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास थोरेसिक नर्व है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी होंगी, लोअर फाइव जो इंटरकॉस्टल और जो सब कॉस्टल नर्व है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थोरेसिक नर्व आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम देखें फर्स्ट लंबर नर्व है, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व ये रही हमारे पास, ये देखें ये इस साइड पे, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, लंबर रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डर्माटोम इसमें डर्माटोम इनर्वेशन में, क्योंकि हमारी फर्स्ट लंबर है ये वाली L1 है जो हमारा फर्स्ट लंबर नर्व है, ठीक है। L1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स, ठीक है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। ये जिसको रिप्रेजेंट करती है हमारे पास L1 को, ये देखिए इसके ब्रैकेट में L1 लिखा भी हुआ है, ठीक है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व। और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ये हमारे पास क्या है, लेटरल ब्रांच होती है। और बाकी थोरेसिक नर्व है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, लोअर फाइव जो इंटरकॉस्टल हैं, ठीक है, और सब कॉस्टल नर्व है, ठीक है, वो क्या है, थोरेसिक नर्व्स को हमारे पास क्या है, ये वाली क्या कर रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी अपनी आर्टरीज को देखें, ठीक है, स्किन नियर द मिड लाइन, ठीक है, इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेज ऑफ सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और जो स्किन है, ठीक है, सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम इंटरकॉस्टल लंबर डीप सर्कोफ्लेक्स इलियक आर्टरीज जो हमारे मिड लाइन में, ठीक है, ये हम मिड लाइन की बात करें, ठीक है, मिड लाइन में क्या है हमारे पास जो स्किन का एरिया, ठीक है, इज सप्लाइड बाय, उसको कौन सप्लाई कर रहा होता है हमारे पास, ब्रांचेज ऑफ सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसको है, ये हमारे पास स्किन में जो मिड लाइन वाला एरिया उसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। और जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। और जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। और जो स्किन ऑफ फ्लैंक्स है, ठीक है, वो क्या है, सप्लाइड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम इंटरकॉस्टल्स लंबर एंड डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरीज, ये क्या है, थोड़ी सी इसकी हमने आर्टरी जो सप्लाई देखी है। अगर हम इसकी वेनिस वीनस कुटेनियस वेन्स देखें, ठीक है, तो कुटेनियस वेन्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्या है हमारे पास कि जो वीनस ब्लड है, ठीक है, वेन्स का जो ब्लड है बेसिकली क्या है, इज कलेक्टेड इन टू अ नेटवर्क ऑफ वेन्स दैट रेडिएट फ्रॉम द एम्बलाइकस, ठीक है। एम्बलाइकस से क्या है कि ये रेडिएट करता है, ठीक है, और इसको हम से क्या है वीनस ब्लड को क्या है हम लोग कलेक्ट करते हैं इन टू अ नेटवर्क ऑफ वेन्स, ठीक है। और ये जो नेटवर्क है, ठीक है, वेन्स का नेटवर्क जो है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इज ड्रेन्ड, बेसिकली इट इज़ ड्रेन अबव इन टू द एक्सिलरी वेन वाया द लेटर थोरेसिक वेन, ठीक है।
ये नेटवर्क जो है वेन्स का, ये ड्रेन होता है, ठीक है। अबव कहाँ ड्रेन होता है, ये अबव इनटू द एक्सिलरी वेन में होता है, ठीक है। किसके थ्रू, द लेटरल थोरेसिक वेन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि बिलो इनटू द फीमोरल वेन, अबव हमारे पास किधर होता है, एक्सिलरी वेन में होता है, ठीक है, वाया द लेटरल थोरेसिक वेन, ठीक है। और अगर हम बिलो बात करें तो बिलो क्या है हमारे पास, इनटू द फीमोरल वेन में ड्रेन होता है, ठीक है, वाया द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड ग्रेट स्पेनस वेन्स। इन दोनों के थ्रू क्या है हमारे पास, फीमोरल वेन में क्या है, ये ड्रेन होता है। उसके बाद क्या है कि फ्यू स्मॉल वेन्स द पैरा एम्बिलिकल वेन्स फॉर्म अ क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट पोर्टल सिस्टम वीनस एनास्टोमोसिस, ठीक है। कुछ स्मॉल वेन्स, ठीक है, पैरा एम्बिलिकल वेन्स फॉर्म अ क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट पोर्टल सिस्टम वीनस एनास्टोमोसिस। हमने अपनी कुटेनियस वेन देखी इसकी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, उसमें क्या देखा हमने कि वीनस ब्लड जो है इज कलेक्टेड इनटू अ नेटवर्क ऑफ वेन्स दैट रेडिएट फ्रॉम द एम्बिलिकल, ठीक है। और जो नेटवर्क है वो आगे कहाँ ड्रेन होता है, अबव इनटू एक्सिलरी वेन वाया लेटरल थोरेसिक वेन, और बिलो कहाँ ड्रेन होता है, इनटू द फीमोरल वेन वाया द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड ग्रेट स्पेनस वेन। अच्छा, उसके बाद इसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं कैपकोट मुडस है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही हमारे पास, ठीक है, ये कैपिट मेड्यूस है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, सुपरफिशियल वेन जो होती है ना हमारे पास अराउंड द एम्बिलिकस रीजन, ठीक है, एम्बिलिकस के इर्द गिर्द हमारे सुपरफिशियल वेन होती हैं, ठीक है, वो और एंड द जो पैरा एम्बिलिकल वेन होती हैं, ठीक है, दोनों मिलकर क्या करती हैं, कनेक्टिंग दम टू द पोर्टल वेन मे बिकम ग्रॉसली डिस्टेंडेड इन द केस ऑफ पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और जो डिस्टेंडेड वो एरिया होता है, जो डिस्टेंडेड सबक्यूटेनियस वेन होती है, ठीक है, रेडिएट करती हैं, कहाँ से रेडिएट करेंगी, एम्बिलिकल से, ठीक है, प्रोड्यूसिंग इन सीवियर केसेस द क्लिनिकल पिक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिट मेड्यूसा ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपके सामने कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सुपरफिशियल वेन्स जो होती हैं अराउंड द एम्बिलिकस एंड पैरा एम्बिलिकल वेन्स कनेक्टिंग देम टू द पोर्टल वेन मे बिकम द डिस्टेंडेड इन केस ऑफ पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, वेन्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। और जो डिस्टेंडेड सबक्यूटेनियस वेन होती है, ठीक है, वो क्या है फिर आगे से क्या है, रेडिएट करती हैं एम्बिलिकस से, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या कैपिट मेड्यूसा बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हो जाती है कंडीशन, ये आपके सामने है, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है वेन्स की, ठीक है। और इसमें से क्या है कि एम्बिलिकल वेन रीजन से हमारे पास क्या होता है कि वेन्स जो है रेडिएट हो जाती हैं आगे, और इस तरह से क्या है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है उनकी। उस कंडीशन को हम कैपिट मेड्यूसा बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स देखें, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल के, तो उसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारा लिम्फ ड्रेनेज है, ठीक है, ऑफ द स्किन, किसकी स्किन का, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्किन का, ठीक है, इज अबव द एम्बिलिकस इज अपवर्ड टू द एंटीरियर एक्सिलरी। एंटीरियर एक्सिलरी मतलब जो सारा पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड्स है, ठीक है, तो पेक्टोरल रीजन का क्या है, नोड्स हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद बिलो होता है कहाँ पे, द लेवल ऑफ एम्बिलिकस ड्रेन्स डाउनवर्ड एंड लेटरली टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, ठीक है। उसके बाद अ फ्यू ड्रेन मीडियली एंड अ फ्यू जो लिम्फ हैं ड्रेन मीडियली एंड डीपली टू द पैरास्टर्नल एंड एंटीरियर डायफ्रैगमेटिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, इसकी लिम्फेटिक्स देख रहे हैं,
सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, तो जो लिम्फ होता है, ठीक है, ड्रेन ऑफ लिम्फ ड्रेनेज ऑफ स्किन जो होता है ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अबव द अम्बिलिकस इज अपवर्ड टू द इंटीरियर एक्सलरी, ठीक है, अबव द अम्बिलिकस इज अपवर्ड टू द इंटीरियर एक्सलरी, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि वो हमारे पास पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड्स होते हैं, ठीक है, और जो बिलो है, बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस ड्रेन डाउनवर्ड एंड लेटरली टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, नीचे की तरफ क्या है हमारे पास, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स की तरफ क्या है, ये ड्रेन होता है, और जो कुछ होते हैं इस तरह के जो ड्रेन करते हैं मीडियली एंड डीपली टू द पैरास्टर्नल एंड एंटीरियर डायफ्रेगमेटिक लिम्फ नोड्स, ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने जिक्र किया कि सुपरफिशियल फेशिया हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक सुपरफिशियल फैटी लेयर होती है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है डीप मेम्ब्रेनस लेयर होती है, ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास जो है कुछ डीप आर्टरीज आती हैं, ठीक है, डीप आर्टरीज आती हैं इसकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, ठीक है, जिसमें हमारे पास कौन सी आती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और क्या है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, ये कुछ हमारे पास क्या है आर्टरीज हैं जिनको हम क्या है डीप आर्टरीज बोलते हैं, डीप आर्टरीज ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसमें हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, ये हमारे पास आती हैं। अगर हम थोड़ी सी नर्व देखें इसमें, ठीक है, T10 थोरेसिक 10 नर्व, ठीक है, T12 नर्व, और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है, जो कि हमारे पास L1 के लेवल पे होती है, ठीक है, और इलियो इंग्वाइनल नर्व, वो भी क्या है हमारे पास L1 के लेवल पे होती है, ठीक है, अगर हम इसकी नर्व्स की बात करें, किसकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की नर्व्स, ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, T10 नर्व, T12 नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है, एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, उसके बाद हमारे पास इसमें मसल्स आते हैं, ठीक है, मसल्स में हमारे पास जो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स, ठीक है, उसमें हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होता है, ठीक है, इंटरनल ओब्लिक मसल होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होता है, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, और क्या है पैरामीडाइस मसल होता है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये छः मसल होते हैं इसके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के, ठीक है, और अच्छे किसे क्या है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और बेसिकली जो इनका इसको हम अभी डिटेल में करते हैं, आज हमें तकरीबन दो लेक्चर्स करने हैं, ठीक है, एक तो इसका ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, एक इसके मसल है, ठीक है, अच्छा एक इसमें हमारे पास क्या है इंग्वाइनल कैनाल भी आती है, ठीक है, उसमें क्या है कि इट इज़ अबाउट 1.5 inches, ठीक है, या 4 centimeter लॉन्ग इन एडल्ट्स, ठीक है, तो इंग्वाइनल कैनाल है, ठीक है, और एक्सटेंड करती है फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग डाउनवर्ड एंड मीडियली टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एंड इट लाइज पैरेलल टू एंड इमीडिएटली अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, इसमें हमारे पास एक डीप इंग्वाइनल रिंग भी आती है, ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास ओवल शेप की होती है, ठीक है, इट इज एन ओवल ओपनिंग इन द फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है, और इट लाइज अबाउट 1/2 inches या 1.3 centimeter अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट मिडवे बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पेबिक सिंथेसिस, ये हमने इसका जिक्र भी किया था इंग्वाइनल रिंग का, ठीक है, इसमें हमारे पास एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग भी होती है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ी थी जब हम लोग फीमोरल का इंग्वाइनल रीजन सारा डिस्कस कर रहे थे, फीमर का सारा, ठीक है,
सुपरफिशियल के बारे में हमने क्या देखा था कि ये ट्राइंगुलर होती है इन शेप, ठीक है, और लाइज इन द एपोनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, लाइज इमीडिएटली अबव एंड मिडल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। अगर हम इसकी थोड़ी सी इंग्वाइनल कैनाल की वॉल्स देखें, ठीक है, इसमें भी आगे हमारे पास चार वॉल्स आती हैं इसके, ठीक है, एक होती है एंटीरियर वॉल, एक होती है पोस्टीरियर वॉल, एक होती है इसकी रूफ और एक उसका फ्लोर होता है, ठीक है। रूफ फ्लोर एंटीरियर वॉल में हमारे पास क्या होता है इंग्वाइनल कैनाल की, कि ये मेनली बाय द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनोरोसिस, ठीक है, एंड लेटरली इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक है, इनसे मिलकर क्या है ये एंटीरियर वॉल इसकी बनी होती है। उसके बाद अगर पोस्टीरियर वॉल देखें, ठीक है, वो क्या है हमारा फेशिया ट्रांसवर्सलिस एंड कंजॉइंट टेंडन एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। और रूफ जो है हमारे पास इसका जो उसमें क्या है कि इट आर्चिंग द फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। और फ्लोर जो होता है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट एंड और इसमें हमारे पास लैक्यूनल लिगामेंट, इन दोनों में क्या है इसका फ्लोर बना होता है। ठीक है, अच्छा थोड़े से अगर मैं इसके आसान करके आपको थोड़े से इसके लैंडमार्क्स बताऊं, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के, ठीक है, तो जो डर्मेटोम हमारे पास T7 होता है, ठीक है, थोरेसिक 7, ठीक है, इज लोकेटेड ओवर द लिम्फोइड प्रोसेस, ठीक है। आपको ये लिम्फोइड प्रोसेस होता है, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास क्या है डर्मेटोम T7 प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या है हमारे पास डर्मेटोम T7 होता है। और जो हमारा अम्बिलिकस वाला एरिया, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या है डर्मेटोम T10 होता है, ठीक है, द डर्मेटोम T10, ठीक है, इंक्लूड करता है क्या अम्बिलिकस, ठीक है। और जो L1 होता है हमारे पास, ठीक है, लाइज जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड प्यूबिक सिंफिसिस, ठीक है, ये कहाँ पे लाई कर रहा होता है L1 हमारे पास जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड प्यूबिक सिंफिसिस, ठीक है, इसके ऊपर क्या है हमारे पास L1 होता है। और ये T10 होता है, ठीक है, इट इंक्लूड्स द अम्बिलिकस रीजन, ठीक है, एंड T7 इज लोकेटेड ओवर द लिम्फोइड प्रोसेस। उसके बाद ठीक है, अच्छा हमने थोड़ा सा इसमें क्या है डिस्कस किया अभी तक, किसकी लेयर्स है 6, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, ठीक है, और इसमें हमारे पास मसल्स हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, इंटरनल ओब्लिक मसल है, ठीक है, और फेशिया ट्रांसवर्सलिस है, एक्स्ट्रा पेंटोनल फेशिया है, पेरिटोनियम है, ठीक है, स्किन जो है हमारे पास लूली अटैच होती है, ठीक है, टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सेप्ट द एम्प्लाइकस, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारे पास हर जगह पे जो है वो लूजली अटैच होती है स्किन, ठीक है, और जो एम्बिलिकस है वो स्कार रिप्रेजेंटिंग द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड इन द फीटस, ठीक है, इंस्टीट्यूटेड इन द लीनिया एल्बा इन द वाइट लाइन, ठीक है, इन द मिडल एरिया। और जो स्किन को नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, कुटेनियस नर्व सप्लाई टू इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल विच इज ड्राइव फ्रॉम द इंटीरियर रेमा ऑफ लोअर 6 थोरेसिक एंड फर्स्ट लंबर नर्व्स। और जो ब्लड सप्लाई होती है स्किन की, ठीक है, स्किन नियर द मिड लाइन इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। और जो स्किन होती है ऑफ फ्लैंक्स, ठीक है, इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ इंट्राकोसल आर्टरीज, लंबर आर्टरीज, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरीज, ठीक है। अगर वेन्स देखें इसके, ठीक है, जो वेन्स ड्रेनेज है हमारे पास पासिस अबव मेनली इनटू एक्सिलरी वेन वाया लेटरल थोरेसिक वेन
एंड बिलो इन टू द फिमोरल वेन वाया सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड ग्रेट स्पेनिश वेन। उसके बाद इसकी हम थोड़ी से मसल्स देख लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, इंटरनल ओब्लिक मसल है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, और क्या है, पैरामेडियल मसल है, ठीक है। ये आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल ओब्लिक है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है हमारे पास, अराइज बाय एयर फ्लैशेस स्लिप्स फॉर द मिड लाइन ऑफ द शाफ्ट ऑफ लोअर एट्रियम, ठीक है। एक मिनट, ये इसमें ठीक है, और फिर इंसर्शन हमारे पास कहाँ होता है, इलियक क्रेस्ट पे होता है, ठीक है। और इनर्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, एंटीरियर रेमा ऑफ लोअर सिक्स थोरैसिक स्पाइनल नर्व, ठीक है, फ्रॉम T7 to T12। और इसके अलावा इसका फंक्शन, ठीक है, क्या है हमारे पास। अच्छा, फंक्शन मैं लास्ट में डिस्कस करती हूँ सबके, ठीक है। अभी सर ओरिजिनल इंसर्शन देख लें, ठीक है। इंटरनल ओब्लिक है, ठीक है। इसका क्या है हमारे पास, थ्रैको लंबर फेशिया इलियक क्रेस्ट बिटवीन द ओरिजिनल एक्सटर्नल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। और इंसर्ट कहाँ पे होता है हमारे पास, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लोअर 3 or 4 ribs, ठीक है। और इसकी भी क्या है, T7 to T12 and L1 हमारे पास इसकी क्या है, नर्व रूट, ठीक है। और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस क्या है हमारे पास, फ्रॉम लेटर 1/3 ऑफ इंगोइनल लिगामेंट, ठीक है, कॉस्टल कार्टिलेजेस लोअर 6 ribs। और इंसर्शन इसका कहाँ पे होता है हमारे पास, प्यूबिक क्रेस्ट एंड पेक्टिनल लाइन पे, ठीक है। और T7 to T12 and L1। और रेक्टस एब्डोमिनस क्या है हमारे पास, प्यूबिक क्रेस्ट ट्यूबरकल एंड प्यूबिक सिंफिसिस, ठीक है। और इंसर्शन कहाँ पे होता है हमारे पास, कॉस्टल कार्टिलेजेस ऑफ रिब्स, ठीक है, रिफाइड प्रोसेस, ठीक है। और T7 to T12। और पायरामिडलिस हमारे पास क्या है, फ्रंट ऑफ प्यूबिस एंड प्यूबिस सिंफिसिस एंड इट्स इंसर्ट इनटू द लीनिया एल्बा। और इंटीरियर रेमस ऑफ T12 क्या है, इसकी इनोवेशन है, ठीक है। ये यहाँ बहुत लंबा और अच्छा डिटेल में लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने वहाँ से समझा दिया आपको। यहाँ पे वही चीज़ सेम टू सेम लिखी हुई है। ठीक है, इन सब की ओरिजिन इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। और इसमें अच्छा, इसके अगर हम एक्शन देखें, ठीक है, तो बेसिकली जो एक्शन हैं ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल मसल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स के, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि एक तो ये हमारे पास दे असिस्ट इन रिलीजिंग द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है। ये क्या है, हमें असिस्ट करते हैं किस चीज़ में, इन रिलीजिंग द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का क्या मतलब है कि लाइक दे हेल्प इन वॉमिटिंग, ठीक है, कफिंग, डिलीवरी, इन सब में क्या है, ये हमें असिस्ट करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। और इसके अलावा दे कीप एब्डोमिनल विद्रा इन पोजीशन, ठीक है, एब्डोमिनल विद्रा को क्या है, उनकी पोजीशन पर रखते हैं, ठीक है। और ये मूवमेंट ऑफ ट्रंक करवाते हैं, ठीक है, और फ्लेक्शन करवाते हैं ट्रंक की बाय रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। ट्रंक की जो है वो फ्लेक्शन होती है, ठीक है, किससे होती है, रेक्टस एब्डोमिनस से, ठीक है।
और लेटरल सेक्शन होती है बाय ऑन साइडेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू ओब्लीक मसल्स, ठीक है, और रोटेशन होती है ट्रंक की बाय अ कंबाइंड एक्शन ऑफ एक्सटर्नल ओब्लीक विद द ऑपोजिट इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ठीक है, और दे एक्ट एज एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक्सपायरेटरी के मसल्स भी होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है हमारे पास, कि जो ओब्लिक मसल, ठीक है, उसका क्या है हमारा, अगर मैं अकेले सिंगल सिंगल देखूँ उनके फंक्शन, तो जो ओब्लीक मसल है, ठीक है, हमारे पास लेटरली फ्लेक्स करता है एंड रोटेट करता है ट्रंक को, ठीक है। द ओब्लीक मसल लेटरली फ्लेक्स एंड रोटेट द ट्रंक, द रेक्टस एब्डोमिनस फ्लेक्सिस द ट्रंक एंड स्टेबलाइज द पेल्विस। रेक्टस एब्डोमिनस क्या करता है, फ्लेक्स करता है ट्रंक को, ठीक है, और क्या स्टेबलाइज करता है पेल्विस को। उसके अलावा जो पैरामिडाइजिस है, ठीक है, कीप्स द लीनिया एल्बा ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। और जो अच्छा, और जो मसल्स हैं, ठीक है, एंटीरियर एंड लेटरल एब्डोमिनल वॉल्स के, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, असिस्ट करते हैं डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बाय रिलैक्सिंग एज द डायफ्राम डिसेंड्स सो दैट द एब्डोमिनल विसरास कैन बी एकोमोडेटेड। और जो मसल्स हैं असिस्ट करते हैं द एक्ट ऑफ फोर्स एक्सपायरेशन that occurs during coughing and sneezing by pulling down the ribs and sternum। इसमें क्या है हमारे पास, ये assist करते हैं किस में, forced expiration में। और their tone plays an important part in supporting and protecting the abdominal viscera, ठीक है। ये muscles क्या है, हमें protect भी करते हैं, support भी करते हैं किसको, हमारे abdominal viscera को, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स या विसरास प्रेजेंट हैं हमारे एब्डोमेन के अंदर। इनकी नर्व सप्लाई हमारे पास कौन कौन सी हैं, दे आर मोस्टली एंड बेसिकली सप्लाइड बाय द लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स, ठीक है, L1 वाली। और इसमें हमारे पास अगर थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करें, हर्नियास को, ठीक है, बेसिकली जो हर्निया है हमारे पास क्या है कि वो एक अबनॉर्मल आउट पाउचिंग होती है, ठीक है, ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स, ठीक है, सच एज स्मॉल इंटेस्टाइन और जितने भी कंटेंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, अगर उनकी क्या है हमारे पास हर्निया, बेसिकली क्या है, एक प्रोट्रूडर होती है, कोई भी चीज़ प्रोट्रूड करके बाहर आ रही हो, ठीक है, उसको हम हर्निया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दो बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ हर्निया, ठीक है, डेट आकर एट द इंग्वाइनल रीजन, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट हर्निया। जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली हमारे पास ओल्डर मैन में होता है, ठीक है, दे आर रेयरली इन वुमेन्स, ठीक है, ओल्डर मैन में होता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। क्यों होता है, ड्यू टू वीकनेस इन एब्डोमिनल वॉल बिहाइंड और लेटरल टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है, एंड पासिस डायरेक्टली थ्रू द एब्डोमिनल वॉल टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, डज नॉट एक्सटेंड इन टू सेक्रोटम एंड हैज सैक फॉर्म बाय पेरिटोनियम। और ये थोड़ा सा हर्निया के बारे में था, ठीक है, अच्छा क्लिनिकल था बेसिकली। और इसमें हमारे पास ठीक है, जो मसल्स हैं क्या हैं हमारे पास, सपोर्ट करते हैं एब्डोमिनल विसरास को, ठीक है, और जो एक्सप्लोसिव एक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है हमारा, लिक्विडेशन है, डेफिकेशन है, डेफिकेशन मतलब कि यूरिन वगैरह या ब्लीडिंग वगैरह, ठीक है, पार्चुरेशन है, वॉमिटिंग है, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेटरी एक्ट्स में हमारे पास क्या आता है, कफिंग आती है, स्नीजिंग आती है, ब्लोइंग, शाउटिंग। ट्रंक में हमारे पास क्या है, फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक है, लेटरल फ्लेक्शन है, रोटेशन है, ठीक है,
और फ्लेक्चर्स ऑफ ट्रंक कौन से हैं हमारे पास, रेक्टस एब्डोमिनल, ठीक है, और लेटरल फ्लेक्चर्स ऑफ ट्रंक कौन से हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड इंटरनल ऑब्लिक, और जो रोटेटर ऑफ ट्रंक है वो कौन सा है हमारे पास, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक। सारा तो मसल्स के ऊपर लेक्चर, ठीक है, सारी इसकी ओरिजिन इंसर्शन। और इसके अलावा इसमें नर्व सप्लाई हम सारी देख चुके हैं इसकी, ठीक है, डर्मेटोम, इसकी आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है, इसका वीनस ड्रेनेज, ठीक है, और फेशिया दो में है, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया, फैटी लेयर और मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक है। अच्छा डीप फेशिया क्या है हमारे पास, द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज मेड या थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग द मसल्स, इट लाइज इमीडिएटली डीप टू द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, और इसके मसल हमने देख लिए, उनके एक्शन देख लिए हमने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये ट्रांसफरेंस फेशिया, ठीक है, ये भी इसकी एक लेयर थी हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, ठीक है, इट इज़ द लाइनिंग फेशिया ऑफ एंटायर एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी बिटवीन द पेराइटल पेरिटोनियम एंड द इनर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, एंड उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया, ठीक है, ड्यू टू द ट्रांसवर्स फेशिया इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया विच सेपरेट्स द ट्रांसवर्स फेशिया फ्रॉम पेरिटोनियम, इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है, ट्रांसवर्स फेशिया को सेपरेट करता है फ्रॉम पेरिटोनियम कौन, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया, ठीक है, इट कंटेन्स अमाउंट ऑफ फैट दिस लेयर नॉट ओनली लाइंस द एब्डोमिनल कैविटी बट इज आल्सो कंटिन्यूस विद सिमिलर लेयर लाइनिंग द पेल्विक कैविटी, ठीक है। के बाद इसमें वेन्स, ठीक है, सुपरफिशियल वेन हमें देखी, टोटल वेन ऑब्स्ट्रक्शन देखा हमने, जिसमें हमारे पास क्या था, कैप मेडुसा था, ठीक है, इसमें हमारे पास वेन्स की ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है। फिर हमने कुछ डीप वेन्स भी देखी इसमें, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, ठीक है, डीप सर्कम्फ्लेक्स इंगिक वेन्स, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, ठीक है, और हमने इसकी लिम्फ ड्रेनेज देखी इसमें, ठीक है, तो हमने इसके मसल्स देखे, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनल रेक्टस एब्डोमिनल, ठीक है, और हमने इनके ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई और इन सब के क्या है हमने एक्शन देखे, ठीक है। जो एक्शन है मेन मसल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वो क्या है कि सपोर्ट ऑफ द एब्डोमिनल विसरास, ठीक है, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं दे प्रोवाइड अ फर्म बट इलास्टिक सपोर्ट फॉर द एब्डोमिनल विसरास अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस इज सी ड्यू टू टोन ऑफ ऑब्लिक मसल स्पेशली इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है, और जो ऑब्लिक मसल है, ठीक है, असिस्टेड बाय ट्रांसवर्स कैन कंप्रेस द एब्डोमिनल विसरा एंड डज हेल्प इन एक्सप्लोसिव एक्ट लाइक मेचुरेशन डेफिकेशन पार्चुरेशन वॉमिटिंग, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। मेचुरेशन हमारे पास क्या होता है, रिलीज ऑफ यूरिन को, ठीक है, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है, इसको क्या है हम लोग मेचुरेशन बोलते हैं, डेफिकेशन एक तरह से यूरिन भी है, लेकिन मोस्टली जो हमारे फीसिस होते हैं, ठीक है, द डिस्चार्ज ऑफ फीसिस, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, उसको क्या है हम लोग डेफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पार्चुरेशन है, ठीक है, इट मीन्स गिविंग बर्थ
ठीक है, चाइल्ड बर्थ, द एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ या चाइल्ड बर्थ को ठीक है हम लोग क्या है पार्चुरेशन बोलते हैं, और वॉमिटिंग का आप सबको पता है ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है एक्सक्लूसिव एक्ट हैं, इनको कौन असिस करता है, ट्रांसफर्स ऑब्लिक ठीक है कैन कंप्रेस द एब्डोमिनल विसरा, एब्डोमिनल विसरा को कंप्रेस करेगा जिसकी वजह से क्या है ये एक्शन परफॉर्म होते हैं ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन है एब्डोमिनल मसल्स के ठीक है। और फोर्सफुल एक्सपायरेटरी एक्ट में क्या है एक्सटर्नल ऑब्लिक है मार्केट डिस्ट्रिक्ट कंप्रेस द लोअर पार्ट ऑफ थॉरक्स प्रोड्यूसिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन इन कफिंग स्नीजिंग ब्लोइंग शाउटिंग ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एक्शन ठीक है, ये कौन करवाता है हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मूवमेंट ऑफ ट्रंक ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक ठीक है, ओब्लिक मसल्स, रोटेशन ऑफ ट्रंक है हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक एंड ऑपोजिट इंटरनल ओब्लिक, पैरामेडालिस है मसल, ये मोस्टली एब्सेंट होता है ठीक है। उसके बाद हमारे पास रक्षित शीट है ठीक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा ये हीमाटोमा ठीक है हमारे पास, बेसिकली क्या है डिजीजली कॉज बाय द ट्रॉमा टू एब्डोमिनल फॉल ठीक है, किसी भी गिरने किसी के गिरने की वजह से या कोई एकदम किक लगने की वजह ठीक है। इसमें क्या है कि जो हमारा एब्डोमिन का जो मिड लाइन वाला एरिया ठीक है वहाँ पे क्या है कि एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है ठीक है। और इसमें क्या है कि जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन है ठीक है वहाँ पे क्या है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दीज वेसल मे बी स्ट्रेस ड्यूरिंग अ स्वेयर बाउट ऑफ कॉफिंग और इन द लेटरल मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ठीक है, विच मे डिस्पोज टू द कंडीशन। हम लोग ही रेक्टस शीट को अलग से डिस्कस करेंगे सारा ठीक है, उसी में ये दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको। अभी हमने सारा जो पढ़ा इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में पढ़ा ठीक है सारा, इसकी वीनस लिम्फैटिक ड्रेनेज ठीक है, आर्टरीज, इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी डर्माटोम स्किन, इसकी लेयर्स डिस्कस की हमने, इसके मसल्स डिस्कस किए, उनका ओरिजिन देखा, उनका इंसर्शन देखा ठीक है। यही था आज का हमारा लेक्चर, तो थैंक यू।